most value for money motorcycle in 155cc segment that is here. That is a beautiful Yamaha R15 V3 in its metallic red color. Aur ye hai wo color. Looks beautiful, doesn't it? So yes guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Nitish Niyo. What's up? Kaise ho? Kaise ka hai? And namaskara. Hey Gidira. I'm quite sure ki aap log bahut hi badhiya kar rahe ho. And aaj hum karenge iska ek walk around and ride review. So agar aap log channel pe first time aaye ho ya aap logon ne channel ko subscribe nahi kiya hai, then do the subscribe button, like this video and share this video with all your friends on WhatsApp या Facebook के ऊपर वीडियो देखने के बाद. एंड अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा Instagram आईडी आप लोग यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो. लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो एंड एंजॉय करते हैं इस मोटरसाइकिल को. So guys, first things first, here is the price of the motorcycle. That is 1.54 lakh rupees ex showroom here in Pune. And here is the beautiful metallic red color. Isme aapko aur bhi colors milte hai, that is the racing blue milta hai, dark night milta hai, thunder grey milta hai, but ye hai naya variant, naya color 2021 ka hai. And saath mein agar aap MotoGP ko follow karte ho to Fabio Quartararo jo hai abhi number 1 pe hai. And ye baat karte hain, chalte towards the walk around. On the front aapko milta hai 17 inch ke aapko alloy wheels milte hai, MRF ke Nilo grip Zapper tires aapko milte hai X1 tire se. And section of the tire is 100/80 over here. ये रेडियल टायर नहीं है. एंड यहाँ पे आपको मिलता है रोटर जो है, इट्स ए नॉर्मल राउंड रोटर. इसमें आपको पेटल रोटर नहीं मिलता है. इसका जो साइज है 282 mm का साइज है. एंड आपको सामने मिलता है कैलिपर्स जो है बाइब्रे के कैलिपर से. ऑफ कोर्स इट्स ट्विन पिस्टन कैलिपर वो हियर. एंड सामने का सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है. एंड ये जो काफ़ी बीफी लगता है मुझे. एंड यप, दिस इज अ कार्बन फाइबर फिनिश ओवर हियर. एंड सामने यू गॉट अ ब्यूटीफुल हेडलाइट्स, मतलब प्रॉपर एचडी हेडलाइट्स है. रात के टाइम आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है बाइक ये. एंड इंडिकेटर्स जो है थोड़ा मुझे सोर पॉइंट लगता है, मतलब दिस कुड हैव बीन एचडी, बट या अगेन. एंड ये बात करते हैं हम चलते हैं टुवर्ड्स द डायमेंशंस ऑफ द मोटरसाइकिल. गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm है. साथ में गाड़ी का जो व्हील बेस है 1425 mm है. एंड साथ में गाड़ी का जो सीट हाइट है ये 815 mm है. इवन इफ इट्स 815 mm आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली राइड इट वेरी कंफर्टेबली. अगर आपकी हाइट 5'5" 5'6" भी है आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है. एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन. एंड एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, दैट इज द मैश विच इज गिवन ओवर हियर, ताकि हवा जो है पास होती है. मतलब काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है यहाँ पे. एंड यू गेट अ 6-speed गियरबॉक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल. ऑफ कोर्स इट्स 155cc मोटरसाइकिल, लेकिन 6-speed गियरबॉक्स आपको मिलता है. एंड एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है. दिस इज द रीजन वाई आई फाइंड इट द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट. इट्स एन ओपन चेन सिस्टम. यू गेट अ सारी गार्ड, यू गेट अ टायर हगर ओवर हियर. एंड गाड़ी का जो फ्रेम है इट्स अ डेल्टा बॉक्स फ्रेम. इसको यमहा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है. एंड साथ में पीछे आपको कोई ऐसे यू नो यू डोंट गेट अ ग्रैब रेल ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे ग्रैब रेल है जहाँ पे पकड़ सकते हैं कोई भी बैठने के लिए. पीछे आपको मिलता है एचडी के टेल लाइट. इंडिकेटर्स आर हैलोजन इंडिकेटर्स. एंड रियर व्हील जो है इट्स अगेन 17 inch अलॉय है. एंड इसका जो सेक्शन है इट इज 140/70 R17 है. सो मतलब सामने का जो टायर है रेडियल टायर है, पीछे का जो टायर है वो रेडियल टायर है. सामने का जो टायर था वो रेडियल नहीं था. एंड इफ इट्स फ्रॉम MRF के रेव्स के टायर्स आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर से. पीछे का जो अगेन डिस्क है रोटर है, इट्स अ नॉर्मल रोटर, इट्स नॉट अ पेटल रोटर वो हियर. एंड दिस इज 220 mm का रोटर है. एंड यू गेट दिस ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट नोट को सुना देता हूँ कुछ ही देर में. एंड साथ में हम लोग चलते हैं. पीछे का जो सस्पेंशन है दिस इज एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रॉम यमहा. एंड साथ में हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द इंजन. ऑफकोर्स यू गेट अ ऑप्शन टू यू नो माउंट अ साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड ओवर हियर, आप देख सकते हो वहाँ पे. एंड साथ में गाड़ी का जो इंजन है, दिस इज द ब्यूटीफुल मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ओवर हियर, बिकॉज ये है 155cc का लिक्विड कोल्ड इंजन मेटेड टू 6-speed गियरबॉक्स. पावर जो मिलता है आपको 18.6 PS का मिलता है. टॉर्क जो मिलता है 14.1 Nm का टॉर्क है. गाड़ी का जो वेट है इट्स 142 kg. तो पावर टू वेट रेशियो जो है इट्स एक्सेप्शनल इन द सेगमेंट आई कैन सी. एंड ऑफकोर्स R15 version 3 रिटर्न ओवर हियर. टैंक कैपेसिटी है गाड़ी का इट्स 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है. माइलेज इज समवेयर अराउंड 47-48 km/L सिटी एंड हाईवे का मैं ऐसे मिक्स बोल रहा हूँ. एंड साथ में सीट इज़ वेरी गुड, सीट इज़ नाइस, काफ़ी मतलब स्पेशियस सीट है, काफ़ी प्लश है. इसको आप निकालेंगे तो ये सीट उठ जाएगा. एंड यू कैन एक्चुअली चेक द बैटरी एंड ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर. एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द हैंडल बार्स नाउ. तो ऑन द हैंडल बार आप देख सकते हो इट्स अ प्रॉपर क्लिप ऑन हैंडल बार ओवर हियर. यहाँ पे आपको मिलता है इंजन के स्विच, इंजन स्टार्ट बटन. दिस साइड आपको मिलता है हाई बीम लो बीम एंड पास लाइट इंटीग्रेटेड है. यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न. एक बार सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा है. ओह दिस इज ब्यूटीफुल मैन, ये डुअल हॉर्न सेटअप है. काफ़ी ज़्यादा तेज हॉर्न है इसमें, दैट इज़ ब्यूटी.
दैट जस्ट मूड मी राइट नाउ. ये जो ब्रेक एंड क्लच लीवर से एडजस्टेबल नहीं है इनमें एंड सस्पेंशन भी एडजस्टेबल नहीं है इसका. दैट कुड हैव बीन एन अपग्रेड अगेन. एंड एक बार ऑन करके दिखाता हूँ. ओके सी यू बोलता ऑफ करते ऑन करते हाई बड़ी दिस इज द ब्यूटी. एंड ओके पूरा स्वाइप. ओके व्हाट डू वी हैव हियर. दिस इज अ नाइस इंट्यूटिव कंसोल. FZX का भी जो नया बाइक लॉन्च हुआ है उसका भी कंसोल काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लगता है मुझे. वो भी बहुत ज़्यादा कूल लगता है. अगर वो कंसोल इसमें आ जाता है तो और भी बढ़िया रहेगा. एंड यू गेट RPM शिफ्ट ओवर हियर. दिस बाइक गेट्स अ VVA दैट इज अ वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन. तो हायर स्पीड्स पे हायर RPMs पे गाड़ी का जो ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है. जितना ज़्यादा ब्रीद होता है उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाता है गाड़ी. एंड यू गेट अ गियर पोजीशन इंडिकेटर ओवर हियर. यू गेट योर टैकोमीटर. यू गेट योर स्पीडोमीटर. यहाँ पे मिलता है फ्यूल गेज. यू गेट ओडोमीटर. देन न्यूट्रल. ये बाकी के टेल टेल सबको मिलता है. लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर. हाई बीम जो भी ABS. इंजन टेम्परेचर. इंजन ऑयल चेक लाइट. एंड एवरीथिंग एल्स यू गेट इट ओवर हियर. गियर पोजीशन इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. ओके टाइम क्लॉक बताता है. क्लॉक और किलोमीटर्स पर लीटर कितना कंज्यूम हुआ है आपका. फ्यूल इकोनॉमी कितना है वो आपको बताता है. 29.8 इज द एवरेज इकोनॉमी अभी का मतलब बता रहा है. 23 किलोमीटर्स पर आवर टॉप स्पीड. एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ट्रिप एट मतलब ट्रिप वन ट्रिप टू आपको मिलता है. एंड दिस इज इट. सो ये हो गया अपना गाड़ी का एक छोटा सा वॉक अराउंड. अभी हम करते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसे है वो सुन लेते हैं एक बार. So guys, here is a beautiful Yamaha R15 metallic red V3 hai. And let's go and test ride this bike. Super duper excited as always to test ride the beautiful Yamaha R15, which looks exactly like the R1. And mujhe wo MotoGP ki feeling deti hai because I'm an ardent fan of MotoGP. So let's start the bike. Okay, pura swipe. Wow, crazy. Let's start. ओके स्टार्ट करते हैं. मतलब ग्राउंड में हूँ मैं वैसे बिकॉज यहाँ पे शूटिंग करना आसान होता है. बीच में कोई लोग आते नहीं है. लेट्स स्टार्ट. चलो बहुत गंदा हो चुका है यार ग्राउंड. ये वीडियो में ट्राई करता हूँ गंदगी दिखाने ना दिखाने के लिए वैसे. सो यस आई जस्ट वांट टू हिट द टारमैक राइट नाउ बिकॉज टारमैक के ऊपर जो मज़ा आती है इस बाइक के ऊपर किसी पे नहीं आती. लेकिन सस्पेंशन जो है दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली. इनफैक्ट बिकॉज सस्पेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है मुझे. आई डोंट नो व्हाई. एंड वो क्रेजी व्हाट अ पुल मैन व्हाट अ पुल. एंड यहाँ पे टर्न लेने का मज़ा ही कुछ और है. पता नहीं मुझे उतना कॉर्नरिंग करने आता नहीं है लेकिन ट्राई करता हूँ बस. ओहो क्रेजी मैन द बाइक इज लवली आई कैन से. एंड लेट मी अप द फ्रंट ब्रेक्स. ग्रेट गॉर्जियस. क्या ब्रेक्स यार फ्रंट के नाइस. अभी जाते हैं हम अपना फेवरेट रोड की तरफ. एंड ओहो ओके मेरे मिरर चेक करना था. एंड लेट मी चेक द रियर ब्रेक. थोड़ा साइड में जाता था कि कोई पीछे ना आ जाए मेरे इंस्टेंटली. एंड द रियर ब्रेक्स. यप द रियर ब्रेक्स आर प्रोग्रेसिव वेयर इज द फ्रंट ब्रेक इज वेरी वेरी गुड. फिर से ट्राई करते हैं रियर ब्रेक को. सी इट्स प्रोग्रेसिव. बहुत दबाने पे थोड़ा स्किड मारता है बट इट्स प्रोग्रेसिव. द बाइट इज डिसेंट. आई डो नॉट सी इट्स द बेस्ट. सो यप सी सीटिंग पोजिशन के बारे में बात करते हैं हम लोग. तो सीटिंग जो बैठा हूँ मैं काफ़ी एग्रेसिव सा बैठा हूँ. लिटरली कमिटेड पोजिशन में हूँ मैं. मेरे जो प्रेशर जो है वो हाथ के ऊपर पड़े हुए हैं. इफ़ आई डोंट होल्ड द टैंक टैंक को मुझे टाइट से पकड़ना पड़ता है अपने थाई से विथ माई थाइज इनफैक्ट. एंड टैंक का शेप जो है नाइस है प्रॉपर टकिन हो जाती है मेरे जो थाइज है यहाँ पे. एंड मेरे जो हाथ है इस हैंडल बार के ऊपर बैठे हुए हैं एग्रेसिवली बैठे हुए. आई डोंट से कम्फर्टेबली वो हियर. इट्स एग्रेसिवली बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड टू बी एग्रेसिव. सो इस बाइक को लेकर आप लंबा राइड करना चाहते हो तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है बट इट्स गुड फॉर सिटी राइड्स. इट्स गुड. इट्स ऑसम फॉर ट्रैक. एंड अभी हम करते हैं छोटा सा टर्निंग रेडियस टेस्ट बिकॉज इज माई फेवरेट टर्निंग रेडियस पॉइंट जहाँ पे बिना अपने पैर को टच किए हुए टर्न करते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे लोकेशंस में कैसे बाइक निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है. क्रेजी मैन घूम तो जाएगी. अपने पैर तो मैंने टच कर दिया है. थोड़ा पीछे गलती किया मैंने बट या घूम तो जाती है टेक्निकली. इट शुड ईजीली टर्न अराउंड इन दिस लोकेशन. सी इट्स गोना ईजी टर्न अराउंड इस लोकेशन. लेकिन हाँ एक बात होता है जब आप टर्न करते हो तो जो हाथ है यहाँ पे लगता है तो आपको थोड़ा हाथ एक्सटेंड करना पड़ेगा. सॉरी एक्सपांड नहीं. एंड लेट्स स्टार्ट द बाइक. वो क्रेजी मैन. सेकेंड गियर. वो थर्ड गियर. सीरियसली मैन
लिमिटर पूरा ऊपर तक हिट करता है गाड़ी पे. दैट इज द क्रेजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. एंड अभी हम बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशंस ऑन द मोटरसाइकिल, वाइब्रेशंस लिटरली नहीं है. मैंने पूरा टॉप एंड पर रेव किया, कुछ भी रेव मतलब वाइब्रेशन नहीं दिख रहे मुझे. एंड इनफैक्ट इट्स अ वेरी रिफाइंड मोटरसाइकिल इज व्हाट आई कैन से. एंड साथ में आपको एक चीज़ और बताना था, गाड़ी का जो मिरर्स है, मिरर्स आर प्लेस्ड ब्यूटीफुली ऑन द फेयरिंग एंड मिरर्स में विजिबिलिटी है. देर इज अ लिटिल बिट ऑफ शेक ऑन द मिरर्स बिकॉज वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन सामने का जो फेयरिंग है, फेयरिंग ऑफकोर्स विद स्पीड इट मूव्स अ लिटिल, सो उसके वजह से देर इज सम शेक इन द मिरर इज व्हाट आई फील. एंड ओवरऑल आई वुड से दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल, वेरी ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल. सीट के बारे में बात करते हैं अभी थोड़ा. सीट जो है इट्स ऑन अ मीडियम कंपाउंड साइड, इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, इट्स कम्फर्टेबल टू राइड. एंड यू नो आप बैठ के आराम से सिटी में जा सकते हो. सस्पेंशन जो है इट्स ऑन द मिड साइड, मतलब थोड़ा मैं कह सकता हूँ पीछे का जो सस्पेंशन है इट्स अ लिटिल ऑन द हार्डर साइड ही बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज जैसे आप खड्डे में जाएंगे ना, खड्डे थोड़ा आसानी से आपकी तरफ पास थ्रू करते हैं. बट अगेन द मोटरसाइकिल हैज़ बीन डिजाइन फॉर द एग्जैक्ट सेम पर्पज फॉर यू, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए. हाँ, सो अगर कोई पिजियन बैठेंगे आपके साथ तो पिजियन का जो प्रेशर रहता है वो आपके ऊपर थोड़ा गिर जाता है. सो दिस बाइक इज़ डिजाइंड लेस फॉर द पिजियंस एंड मोर फॉर द राइडर. इट्स अ प्योर राइडर एक्सपीरियंस, राइड एक्सपीरियंस मोटरसाइकिल. R1 के ऊपर डिज़ाइन किया गया है. इट्स फॉर योर फन, इट्स फॉर योर एन्जॉयमेंट. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप यू नो मतलब यू आर इन योर 20s, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस मोटरसाइकिल. अगर आप कोई ऐसे बाइक को ढूंढ रहे हो तो काफ़ी आपको एग्रेसिव लगे एंड इन द बजट रहे, माइलेज भी रहे इसका अच्छा खासा एंड मेंटेनेंस भी आसान रहे, तो दिस इज़ दैट मोटरसाइकिल आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन इन माई परस्पेक्टिव, ऐसे मुझे लगता है. सो यस, सो इतना सब मैंने बात कर दिया है, तो अभी हम बात करते हैं गाड़ी का जो यू नो एक्चुअल में क्या मिसिंग है गाड़ी में, वो चीज़ पर बात करते हैं. तो मिसिंग के लिए ना एक्चुअली गाड़ी इज़ अ वेरी वेल मेड मोटरसाइकिल, बट अगेन नाउ दैट द इंडस्ट्री हैज़ मूव्ड अ लॉट, सो वॉट कैन द कंपनी डू? कंपनी कुड हैव कम अप विद द अपसाइड डाउन फोक्स, राइट, एडजस्टेबल अपसाइड डाउन फोक्स. इनफैक्ट वो कर सकते थे, सामने का जो कॉन्सोल है उसको ब्लूटूथ कनेक्टेड कॉन्सोल बना सकते थे ताकि मोर इंट्यूटिव हो जाए, काफ़ी ज़्यादा और एक्स्ट्रा कूल हो जाए, उसके लिए कर सकते थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वेल दैट इज़ इट. गाड़ी में ज़रा अपडेट्स की नहीं है बिकॉज डिज़ाइन जो है अभी भी काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन लगता है मुझे. द फिट एंड फिनिश इज़ एक्चुअली गुड ऑन द मोटरसाइकिल. इनफैक्ट ऐसे कुछ दिक्कत नहीं लग रही है मुझे बिकॉज द क्वालिटी लुक्स गुड, द डिज़ाइन लुक्स गुड हियर एंड देयर. लेकिन सामने का जो कुछ कुछ फिनिशिंग है दैट कुड हैव बीन अ लिटिल मार्जिनली इम्प्रूव्ड इज व्हाट आई फील. बट अगेन ओवरऑल द फिट एंड फिनिश, द क्वालिटी, द बिल्ड क्वालिटी इज फाइन, इट कैन डू अ डिसेंट जॉब इज व्हाट आई थिंक. सो गाइस दिस वाज इट विद माय रिव्यू. अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द मुद्दे की बात. सो गाइस दैट वाज इट विद द वीडियो. अभी हम करते हैं मुद्दे की बात. मुद्दे की बात में हम लोग कंपेयर करते हैं R15 को विद RC125 एंड RS200 बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल. RC125 जो है इट लुक्स ग्रेट, लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स फ्रॉम KTM, एवरीथिंग इज देयर, बट पावर टू वेट रेशियो और पावर में थोड़ा बहुत मार खा जाती है. बट प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट सेम. लुक्स जो है मतलब लुक्स अवे सब्जेक्टिव, मुझे वो भी पसंद है, ये भी पसंद है लुक्स में. वेयर RS200 जो है इट्स ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी, बट आई बिलीव R15 जो है इट कैन एक्चुअली स्मोक RS200 इन इट्स टॉप स्पीड, ये मुझे ऐसे लगता है. सो इसका अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन पता है आपको क्या करना होता है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर. एंड इसका एज यूजुअल एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम.